हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल NSK ऑटोमोबाइल्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपकी BS6 गाड़ी माइलेज नहीं दे रही, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, हीरो, होंडा, TVS, यामा, बजाज, किसी भी कंपनी की BS6 गाड़ी हो, चाहे वो फ्यूल इंजेक्टर हो या इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर, उस गाड़ी में माइलेज की प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, आपको अपनी BS6 गाड़ी के माइलेज को कैसे इंप्रूव करना है और BS6 गाड़ी में माइलेज की प्रॉब्लम कहाँ से आती है ये भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो पर एंड तक बने रहो। दोस्तों जितने भी BS6 गाड़ियां आ रही है उसके एग्जॉस्ट में आपको कुछ इस टाइप का सेंसर लगा हुआ मिलेगा, आप देख सकते हो। इसे O2 सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर और लैम्डा सेंसर भी कहते हैं। ये सेंसर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और कैटेलिटिक कन्वर्टर के बीच में लगा होता है। आप पहले इस सेंसर के बारे में अच्छी तरह से समझ लो, ये कैसे काम करता है और ये सेंसर आपकी गाड़ी के माइलेज को कैसे इंप्रूव करता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगर ये सेंसर खराब हो जाता है तो आपकी गाड़ी में माइलेज की प्रॉब्लम के साथ साथ और क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती हैं। दोस्तों पहले हम इस सेंसर के बारे में जान लेते हैं, ये कैसे काम करता है और इस सेंसर से हमारी गाड़ी का माइलेज कैसे इंप्रूव होता है। दोस्तों O2 सेंसर ये एक इनपुट डिवाइस है, ये ECU को इनपुट देता है। ये सेंसर इस चीज को सेंस करता है गाड़ी स्टार्ट होने के बाद जो गैसें एग्जॉस्ट से होकर बाहर निकल रही हैं उन गैसों में कितने परसेंट ऑक्सीजन है। अब ये कैसे काम करता है, दोस्तों गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए कार्बोरेटर या फ्यूल इंजेक्टर से एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर एंटर होता है, फिर उसमें कंबशन होता है यानी आग लगती है। आग लगने के बाद जो गैसें एग्जॉस्ट से होकर बाहर निकलती हैं तो ये सेंसर इस चीज़ को सेंस करता है, पता करता है जो गैसें एग्जॉस्ट से होकर बाहर निकल रही हैं उन गैसों में कितने परसेंट ऑक्सीजन है, कितना अनबर्नड ऑक्सीजन है, पूरा ऑक्सीजन जला है या नहीं। ये सेंसर ऑक्सीजन के परसेंटेज को लगातार सेंस करता है। ऑक्सीजन के परसेंटेज को सेंस करने के बाद 3S डाटा को ECU में भेजता है। अब ये ECU क्या है, ECU इसका पूरा नाम इंजन कंट्रोल यूनिट है, इसे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं। इसे गाड़ी का मस्तिष्क यानी ब्रेन कहा जाता है, ये गाड़ी के पूरे इंजन को कंट्रोल करता है, गाड़ी को कितना फ्यूल देना है, कितनी एयर देना है। अगर आपको ECU के बारे में डिटेल्स में जानना है तो मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बना दिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड में मिल जाएगा, आप चेकआउट जरूर कर लेना। O2 सेंसर ऑक्सीजन के परसेंटेज को सेंस करने के बाद 3S डाटा को ECU में भेजता है। ECU इस डाटा को कलेक्ट करता है, इस डाटा को रीड करता है। ECU को इस डाटा से ये पता चलता है सिलेंडर के अंदर जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर एंटर हो रहा है वो कैसा है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है और फ्यूल की मात्रा कितनी है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर ज़्यादा तो नहीं है या एयर और फ्यूल का मिक्सचर कम तो नहीं है। अगर ECU को ये पता चलता है कि फ्यूल की मात्रा ज़्यादा है और एयर की मात्रा कम है तो ECU फ्यूल की मात्रा को कम कर देता है और एयर की मात्रा को बढ़ा देता है। और अगर ECU को ये पता चलता है कि फ्यूल की मात्रा कम है और एयर की मात्रा ज़्यादा है तो फिर ECU फ्यूल की मात्रा को बढ़ा देता है और एयर की मात्रा को कम कर देता है। O2 सेंसर ECU को ऑक्सीजन के परसेंटेज को बताता है, फिर ECU ऑक्सीजन के परसेंटेज के आधार पर एयर और फ्यूल का मिक्सचर का सही रेशियो सिलेंडर के अंदर एंटर करता है। इस तरीके से O2 सेंसर आपकी गाड़ी के माइलेज को इंप्रूव करता है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ अगर आपकी गाड़ी का ऑक्सीजन सेंसर खराब हो जाता है तो आपकी गाड़ी में माइलेज की प्रॉब्लम के साथ साथ और क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है और इसे आपको कैसे ठीक करना है। दोस्तों अगर आपकी गाड़ी का ऑक्सीजन सेंसर खराब हो जाता है तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर रिच भी हो सकता है, रिच यानी ज्यादा एयर और फ्यूल का मिक्सचर ज्यादा भी सिलेंडर के अंदर एंटर हो सकता है। जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर ज्यादा सिलेंडर के अंदर एंटर होगा तो इस कंडीशन में आपकी गाड़ी के साइलेंसर से काला धुआं आएगा, ब्लैक स्मोक, काला धुआं बहुत ज्यादा आएगा, फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगा, गाड़ी पेट्रोल ज्यादा खाएगी, गाड़ी में माइलेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाएगी। दूसरी बात, अगर आपकी गाड़ी का ऑक्सीजन सेंसर खराब हो जाता है तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर लीन भी हो सकता है, लीन यानी कम, एयर और फ्यूल का मिक्सचर कम भी सिलेंडर के अंदर एंटर हो सकता है। जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर कम सिलेंडर के अंदर एंटर होगा तो इस कंडीशन में आपकी गाड़ी मिसिंग करेगी, गाड़ी लोड नहीं लेगी, गाड़ी मिसिंग बहुत ज्यादा करेगी। तीसरी बात, आप इसे अच्छी तरीके समझ लो, आपकी गाड़ी में चेक इंजन लाइट आ जाएगी, इसे माल फंक्शन लाइट भी कहते हैं। दोस्तों जितनी भी BS6 गाड़ियां आ रही हैं उन सभी गाड़ियों में आपको चेक इंजन लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपकी गाड़ी के किसी भी सेंसर, चाहे वो O2 सेंसर हो या किसी भी एक्चुएटर्स में प्रॉब्लम होगी तो ये चेक इंजन लाइट वार्निंग देगी, आपको इसे स्कैनर लगाकर ही चेक करना पड़ेगा गाड़ी में कहाँ प्रॉब्लम है। तो चेक इंजन लाइट सिर्फ वार्निंग देती है, ये आपको स्कैनर लगाकर ही पता चलेगा कौन से सेंसर या एक्चुएटर्स में प्रॉब्लम है। ये कैसे वार्निंग देती है आप ये भी समझ लो। दोस्तों जैसे ही आप अपनी गाड़ी का चाबी स्विच ऑन करोगे तो इसके मीटर में चेक इंजन लाइट शो होगी, लेकिन उसके बाद जब आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट होने के बाद इस लाइट को बंद हो जाना चाहिए। अगर ये लाइट बंद नहीं होती, कंटिन्यू आती रहती है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है, इसे आपको चेक कराना चाहिए। तो दोस्तों O2 सेंसर खराब होगा तो आपकी गाड़ी में चेक इंजन लाइट भी आ जाएगी। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इन सारी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, आपको अपनी गाड़ी के माइलेज को कैसे इंप्रूव करना है। दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में ये सारी प्रॉब्लम आ रही है तो आप O2 सेंसर को ओपन करके चेक कर लेना। इस सेंसर में एक जाली लगी होती है, कई बार ऐसा भी होता है ये जाली बंद हो जाती है, जाली बंद होने की वजह से ये ऑक्सीजन के परसेंटेज को सेंस नहीं कर पाता है, तो आप इसकी जाली को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना और इसके वायर भी चेक कर लेना, कहीं कोई कट तो नहीं लगा है, कहीं कोई लूजिंग तो नहीं है, तो आप इस सेंसर को चेकआउट जरूर कर लेना। दूसरी बात, आप गाड़ी को अपडेट यानी ECU को अपडेट भी कर लेना। अगर आपकी गाड़ी का ECU अपडेट मांग रहा है और अगर आप इसे अपडेट नहीं करोगे तब भी आपकी गाड़ी में ये सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी, माइलेज प्रॉब्लम, मिसिंग प्रॉब्लम, चेक इंजन लाइट प्रॉब्लम, गाड़ी बार बार बंद होगी और भी काफी सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी, तो आप गाड़ी के ECU को भी अपडेट जरूर कर लेना। अगर आपको अपनी गाड़ी के ECU को अपडेट करना है तो मेरे चैनल पर आपको BS6 गाड़ी को अपडेट करने से रिलेटेड काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप चेकआउट जरूर कर लेना। तीसरी बात, अगर सेंसर को क्लीन और गाड़ी को अपडेट करने के बाद भी बार बार इस सेंसर का फॉल्ट आ रहा है, बार बार आपको इन सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको सेंसर को चेंज कर देना। कई बार ऐसा भी होता है ये सेंसर खराब हो जाता है तो आप इस सेंसर को पूरा कंप्लीटली चेंज कर देना, आपकी गाड़ी की माइलेज प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, BS6 गाड़ी में माइलेज प्रॉब्लम कहाँ से आती है और इन प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया BS6 गाड़ी में माइलेज की प्रॉब्लम O2 सेंसर से आती है,
और O2 सेंसर खराब होगा तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा होगा तो आपकी गाड़ी से ब्लैक स्मोक यानी काला धुआं आएगा, फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगा, गाड़ी पेट्रोल ज्यादा खाएगी, और एयर और फ्यूल का मिक्सचर कम होगा तो आपकी गाड़ी मिसिंग करेगी, गाड़ी लोड नहीं लेगी। तीसरी बात, आपकी गाड़ी में चेक इंजन लाइट आ जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना। गुड बाय।